पेरिस ओलंपिक में भारत को 6 पदक मिले, लेकिन इसमें से एक पदक ऐसा है जिसके साथ भारत की गरिमा बेहद खास जुड़ी हुई है, यानी कि वो ऐसा पदक है जिसे भारतीय खेलों में ऐतिहासिक कहा जाता है। जी, हॉकी की बात कर रहा हूं मैं। स्वर्ण युग था, लेकिन टोक्यो के बाद पेरिस में कांस्य पदक के साथ भारतीय हॉकी टीम लौटी है, और उनमें से कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो दूसरी बार उस कांस्य पदक को लेकर पोडियम पर गए थे। उनमें से एक हैं सीनियर खिलाड़ी मनदीप सिंह, और जालंधर एक हॉकी की जो गढ़ बना है वहां से वो बिलोंग करते हैं। हम उनके घर पे मौजूद हैं, मेरे साथ मनदीप हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनदीप जी। थैंक यू सो मच जी। पहले मैं ये मेडल एक बार दिखा दूं, थोड़ा सा शायद मैं कहूंगा कि इसको आपको नीचे करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सजाया हुआ है, ये वो कांस्य पदक है जो भारतीय हॉकी को लगातार दूसरी बार ओलंपिक में मिला है, और मनदीप दूसरी बार लगातार पोडियम पे जो ये कांस्य पदक लेने गए। मनदीप, टोक्यो और पेरिस, इन 8 सालों में भारतीय हॉकी ने बहुत उतार चढ़ाव देखा, और फाइनली 41 साल बाद हम टोक्यो में लाए थे, और ये बैक टू बैक मेडल है। कलर बदलने की कोशिश थी, लेकिन कम से कम पदक के साथ वापस आए हैं, कितना बड़ा सुकून है ये। बिल्कुल जी, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि बैक टू बैक मेडल जीतना बहुत बड़ी बात होती है इंडिया के लिए। और बिल्कुल जी, जैसे आपने कहा कि कलर चेंज, हमारी वो पूरी ट्राई थी, जैसे देखा गया कि बेस्ट हॉकी खेले हम जे ओलंपिक में, और सेमीफाइनल में थोड़ा सा हर्ट हुए हैं हम, जैसे कि कलर चेंज करना था, बट स्टिल सारे लड़कों का बिलीव था एक ऊपर, और यही बोला गया था कि एक हमारे पास अभी मेडल पड़ा है, हम ले सकते हैं। तो आई थिंक वी आर रियली हैप्पी कि हमने ये मेडल जीता है इंडिया के लिए। कहते हैं जो सीनियर प्लेयर होते हैं ना, उनके कंधों पर जिम्मेवारी ज़्यादा होती है। आई थिंक आप 2012 से लेकर अगर मैं 24 तक का करियर देखूं, जो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और उन खिलाड़ियों में से हैं जो 2 ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, इस पेरिस में आप उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से जिनके कंधों पर ज़्यादा भार था, क्योंकि यंग और एक्सपीरियंस का मिक्स कम्बिनेशन था। बिल्कुल जी, बट हमने यही डिसाइड किया था कि जब भी हम कोई भी टूर्नामेंट खेल रहे हैं, चाहे कोई मेजर टूर्नामेंट खेलते हैं, तो उसमें सीनियर जूनियर नहीं बोलते हम, कि एक इक्वल बोलते हैं। बट स्टिल मैं एज ए स्ट्राइकर जब लीडिंग करता हूँ आगे फ्रंट से, तो मेरा यही रहता है कि मैं अपना बेस्ट हूँ, जो साथ में मेरे से खेलते हैं उनको मैं हेल्प करूँ। तो आई थिंक वो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ थी, और 2012 से लेकर अभी तक का सफ़र अच्छा रहा है, बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत कंट्री के लिए मेडल बहुत जीते हैं, तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। पहले मैच से ही, जब पहला मैच होता है किसी भी ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट का, तो वहाँ से जब शुरुआत हुई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को जब हराया और क्वार्टर फाइनल खेला, मुझे लगता है वो टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया था। बिल्कुल, देखो जब मेजर टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो आपका सबसे पहला मैच बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जीतना, तो स्टेप बाय स्टेप फिर अच्छा जाता है। तो जब हम पहला मैच जीते, उसके बाद बैक टू बैक हम जीतते रहे, बेल्जियम में लूज़ किया, बट स्टिल चिन अप करके हम जब ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले हैं, तो यही था कि ओवरऑल पूरा जाना है और अच्छा करना है, कि दिखाना है कि हाँ हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। तो 52 ईयर के बाद वो ओलंपिक में जीतना बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद जब क्वार्टर फाइनल आया, तो रेड कार्ड हुआ हमारे लड़के को, तो हमारा यही मकसद था, कोई बात नहीं, एक बंदा लेस भी है, तो हमें खेलना है, उसके लिए खेलना है, और खेलना है और दिखाना है कि हाँ हॉकी है कुछ। तो फाइनली वो हम 10 प्लेयर से खेले हैं 43 मिनट आई थिंक, तो वो मैच जीते हैं शूट आउट पे, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब अमित को रोहित रेड कार्ड दिखाया और सेकंड क्वार्टर में आई थिंक वो बाहर चले गए थे, ये डिसाइड हुआ था कि अब चाहे जो मर्जी हो, बॉल नहीं जाने देनी, पूरा कहते हाथ पैर लगा के, मैं अभी हरमन से ही वही बात कर रहा था, तो वो मुझे लगा कि टीम का जोश और हाई कर गया वो चीज़। बिल्कुल जी, क्योंकि जब उनको रेड कार्ड हुआ, तो आई थिंक सभी लड़कों ने बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर हल्लाशेरी दी कि कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, हमने अपनी गेम खेलनी है, डिफेंस पहले करनी है, उसके बाद अटैक करेंगे। तो आई थिंक सभी लड़कों ने एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट दिखाया, बिलीव किया, और उसके बाद हमने यही बोला कि हमने ये मैच निकालना है जैसे मर्जी करके, फिर सबसे पहले फोकस यही था डिफेंस खेलना है। तो आई थिंक हम 43 में डिफेंस खेले हैं, टैग पे तो आई थिंक बहुत कम गए हैं, क्योंकि अगर टैग पे जाते तो पीछे कुछ भी हो सकता था। तो बहुत बड़ी बात है ये 43 मिनट ओलंपिक में एक बंदे के साथ लेस खेलना, तो आई थिंक वो प्राउड फील है हमारे लिए। अच्छा मनदीप, एक बीच में ये भी जिक्र सुनने को आया था कि आप लोग ट्रेनिंग के लिए स्विट्जरलैंड गए थे, कहीं अल्प्स गए थे। हाँ जी, हाँ जी, और वहाँ पर जो ट्रेनिंग आप ट्रैकिंग की, वो क्या किस्सा था? क्योंकि उससे कहते हैं कि एक होता है ना कि टीम का जोश और एक स्किल्स में और बढ़ोतरी हुई। बिल्कुल जी, जो हमने ट्रैकिंग की है, साइकिलिंग की है, जो माइंड सेट था, जो हमारा लगता था कि हाँ माइंड और हमें स्ट्रॉन्ग करना, आई थिंक वो वहाँ जाके हमने वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अब एक दिन का गैप था, कितने दिन? आई थिंक हमने 2-3 दिन वहाँ रहे हैं, उसके बाद हम फिर
पाँच दिन पहले हम ओलंपिक जैसे आ गए थे, तो आई थिंक वो सबसे बेस्ट चीज़ थी जब हम पहाड़ी पे गए थे, क्रेन से हम गए थे फिर पहाड़ी चढ़े, जब वापस आना तो हमें लगा कि हमें क्रेन से वापस आना है, पर जब हमारे जो पैडी थे उन्होंने बोला नहीं क्रेन से नहीं आना है, हमें नीचे वॉक करके आना है, तो वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था पॉइंट कि टूटी जो होती है घास को पकड़ पकड़ के नीचे आना डेंजरस था, एंकल भी ट्विस्ट हो गए हमारे तो, बट हम वहाँ से आई थिंक हमें 2 आवर्स लग गए थे नीचे आते आते, तो वो चीज़ ओलंपिक में शो हुई कि हाँ अगर हम वो चीज़ हमने हम कर सकते हैं तो हाँ मुश्किल को सही कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं, तो वो काम आ गया, हाँ काम आ गया, और वो माइंड सेट था सभी प्लेयरों का वो एक स्ट्रॉन्ग था हमारा। अच्छा ये ओलंपिक में श्रीजेश का अंतिम था, लास्ट था ओलंपिक, मनप्रीत हो श्रीजेश हो चार चार ओलंपिक ये खेल चुके थे, तो ये सही भी टीम था कि श्रीजेश को जीत के साथ और मेडल के साथ विदा देनी है। बिल्कुल जी, क्योंकि श्री पाजी के साथ मैं 10 से 12 साल खेल चुका हूँ, बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, एक वाल है हमारे वो टीम के, तो बिल्कुल उनके लिए तो हमें लास्ट मैच खेलना था, तो उनको हमने पहले बोल दिया था हम पूरा ओवरऑल पूरा जाएंगे और आपके लिए ये विन करेंगे जैसे भी मर्जी, क्योंकि अच्छे से बधाई देना चाहते थे उनको। और ये भी था कि जब आप ओलंपिक गए पेरिस में तो उसके बाद सोशल मीडिया पे नहीं ज़्यादा जाना, शुरू के दिन में एक्सप्लोर कर लो जितना करना है, बिल्कुल, बिल्कुल। जो ग्लैमर देखना शुरू में देख लो उसके बाद नहीं। बिल्कुल यही बात की थी जब जब लास्ट भी गए थे यही बात हुई थी, इस बार भी गए थे कि जब भी आप ओलंपिक में एंटर कर गए 2 दिन आपको जितना सोशल मीडिया यूज़ करना है फोटोज डालनी रिंग के साथ डालो, उसके बाद पूरा बंद कर दो, क्योंकि पूरा फोकस हमारा यही था कि 4 साल बहुत 4 साल के बाद जब ओलंपिक आती है तो यही रहता है कि मेडल जीतना है, तो हमारे माइंड में यही था कि क्योंकि ये ग्रुप ऐसा था कि लास्ट टाइम भी जब हम गए थे तो यही बोला गया था कि नाम के आगे ओलंपिक नहीं लगाना मेडल जीतने जाना, इस बार भी यही था थे सेम, तो आई थिंक वो बहुत हेल्प किया हमें। अच्छा मंदीप एक चीज़ था कि जैसे स्टेज बाय स्टेज आप करते गए, क्वार्टर फाइनल पहुँचे, सेमीफाइनल में जर्मनी के अगेंस्ट हार मिली, टोक्यो में जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज जीता था, वो रात बड़ी भारी थी प्लेयरों पर। बिल्कुल जी, जब लास्ट हम जीते थे जर्मनी से तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ गए थे, अगर देखा जाए इस बार भी हम फर्स्ट क्वार्टर ऐसे लग रहा था कि हाँ हम पूरा अपना दे रहे हैं, पर स्टिल हॉकी कभी जीतोगे कभी हारोगे ऐसी चीज़ है, एक एक सेकंड निकालना मुश्किल होता है बिल्कुल, क्योंकि वो जब हमने लूज़ किया मैच वो दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ हमें, नेक्स्ट डे जब हम ब्रेकफास्ट करने गए उसके बाद हमने मीटिंग की तो एक दूसरे को पूरा मोटिवेट किया कि नहीं हम हमारी जो जर्नी रह चुकी है कि हमें वो अच्छे से निभानी है और ये एक लास्ट है जो हमने मेडल जीतना है और जीत के रहना है, तो एक दूसरे को मोटिवेट कर। बिल्कुल जी, बहुत मोटिवेट किया था। और सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनते थे। बिल्कुल जी, सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनते थे, क्योंकि मैं सभी से पूछ रहा हूँ कि गुरदास मान साहब का गाना दिल दा मामला। दिल दा मामला, हाँ जी, जब भी हम बस में ग्राउंड के लिए जाते थे तो दिल का मामला वो जो सॉन्ग है गुरदास मान जी का, टोक्यो से लेके पेरिस तक। बिल्कुल जी, वही चलता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये लकी जैम बन गया क्या? बिल्कुल जी, हमारे लिए लकी जैम था और सिद्धू मूसेवाले के गाने ऑलवेज हम सुनते हैं। अच्छा। जी, टीम में शरारती कौन है? टीम में शरारती तो आई थिंक सभी है, ऐसा नहीं है, मैं बोलूंगा श्री भाई ज्यादा है। हाँ जी, पर सीनियर है ऐसा नहीं है, पर शरारती भी है, पर मजा आता है उनके साथ। हाँ जी, मजाक करने को। हरमन है तो बड़ा शांत है लेकिन कई बार डांट भी लगाता है। नहीं देखो, हरमन कैप्टन है टीम का, कूल है, ठीक है जी, ग्राउंड में अग्रेसिव, क्योंकि ग्राउंड में आपको अग्रेसिव ही रहना पड़ता है, एक एक सेकंड जो है कि आपको पूरा स्ट्रॉन्ग फोकस के साथ रहना पड़ता है, तो नॉर्मल जब ऑफ फील्ड है सभी के साथ अच्छी बॉन्डिंग है उसकी, तो अच्छी बात है। कोई ऐसा किस्सा शेयर करना चाहेंगे जो बड़ा लाइट मूड का हो, कि टीम कहीं पर टेंस माहौल होती है तो किसी ने आके कुछ ऐसा पंजाबी स्टाइल में जोक सुना दिया, कुछ कह दिया कि टीम हंस पड़ी, कुछ ऐसा शेयर करना? नहीं, ऐसे नहीं, नॉर्मल शेयर तो नहीं, बट ये है कि एक दूसरे का साथ हंसी मजाक हम करते हैं ऑलवेज, जब भी कोई बात होती है, अभी जैसे अगर हम हारे भी हैं अपना जर्मनी के साथ तो उस दिन तो चलो बहुत ज़्यादा सैड थे, नेक्स्ट डे जब हमने जो आपको बताया कि हमने बात की है, मोटिवेट एक दूसरे को किया, उसके बाद भी हंसी मजाक की स्माइल रखो फेस पे, कि जितना आप स्माइल रखोगे आप अपना बेस्ट दोगे शाम को, तो वो चीज़। तो जब मेडल आ गया वो, हालांकि उस मैच में भी स्पेन ने 1.5 मिनट के लास्ट में बैक टू बैक पीसी लिए, जब वो विसिल बजी तो उसके बाद तो खुशी के आंसू निकले और रात पूरी पार्टी भंगड़ा चला। बिल्कुल जी, क्योंकि देखो थर्ड फोर्थ जब पोजीशन का मैच आता है तो बहुत डिफिकल्ट रहता है, हार्ड लाइनर मैच तो। जी जी, क्योंकि स्पेन ऐसी टीम है डिफेंसिव फंसा लेती है वो, तो पहला क्वार्टर हमारा इतना अच्छा नहीं गया, बट स्टिल हमने अपनी फाइट की, पीसी बनाए, गोल्स निकले, उसको जब लास्ट सेकंड आया तो बस ऊपर देख के हाथ जोड़े, ऊपर वाले को थैंक यू सो मच किया उनका कि फाइनली हमें ये मेडल मिला।
उस रात तो सो नहीं पाए? बिल्कुल नहीं सोए उस रात, तो सोए नहीं, आई थिंक एक दो घंटे सोए अगर सोए हैं, नहीं तो बस मैडम के साथ ही। हाँ जी हाँ जी, तो मैडम के साथ ही सोए सभी? बिल्कुल मैडम के साथ ही सारे सोए हैं। जी जी, तो आगे अब हॉकी को क्या देखते हैं कि कलर बदलेगा तो शायद क्रिकेट जैसा स्वागत होता है, ये बात मैंने कईयों से पूछी है। बिल्कुल, आई थिंक मैं यही बोलूँगा कि सारी स्पोर्ट्स को आप इक्वल रखना चाहिए, क्योंकि सभी स्पोर्ट्स में हार्डवर्क रहता है। तो जैसे हमने अभी हॉकी का बेंचमार्क जो सेट किया है, अपनी हॉकी की लेगेसी को ऊपर बढ़ाया है, स्टेप बाय स्टेप मेडल लेके आ रहे हैं, तो ऐसे ही है कि जो जनरेशन है अभी आने वाली, उनको भी मैं यही बोलूँगा हॉकी उठाओ, उसको प्यार करो, उसके साथ खेलो और अपना मन लगा के हार्डवर्क करो और एक एम जो टारगेट है उसको सेट करो। क्या आपको अभी भी लगता है कि बेशक ये ओलंपिक के दिनों में ही ज़्यादा, चाहे वो मीडिया की बात करें या सरकारों की बात करें या फैंस की बात करें, वो याद रखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वही चार साल बाद ये चीज़ कहीं ना कहीं खलती है? बिल्कुल खलती है जी, क्योंकि मैं यही बोलूँगा कि जैसे ओलंपिक भी अगर चलो होगी, मेडल आ गया, बट उसके बाद भी आप हॉकी को, सारी स्पोर्ट्स को एक इक्वल रखोगे तो आई थिंक और जो प्लेयर्स हैं और हार्डवर्क करने का उनको मौका मिलेगा और उनके मन में रहेगा कि हाँ अभी हमने और मेडल जीतने हैं, जैसे आगे मैचेस आ रहे हैं उसके ऊपर अपना और बेस्ट देना है। तो ये चीज़ आई थिंक सभी के लिए होनी चाहिए। खेलगांव में क्योंकि जब भारतीय दूसरे खिलाड़ी भी आपको मिलते हैं, चाहे नीरज हो या और कोई हो, तो उनका रिस्पांस कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है, नीरज भाई के साथ तो अच्छा है बहुत, क्योंकि जब मिलते हैं मतलब कि इतना अच्छा नेचर है तो मज़ा आता है कि यही बोलते हैं। जब मुझे अभी भी याद है जब टोक्यो में हमारा मेडल आया था, तो नेक्स्ट दिन उनका इवेंट था, तो उस दिन हम 11 बजे वापस आए थे, तो वो उसने सभी के रूम में आके कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था। वो बहुत बड़ी बात थी कि अगले दिन उसका इवेंट था, बट स्टिल वो वेट कर रहा था कि सभी को बधाई देनी है। तो इस बार भी जब मिले हम एक दूसरे को, बहुत अच्छे से मिले। और क्या खास आपको लगा इस ओलंपिक में, क्या सीखने को मिला मनदीप के लिए? इतना एक्सपीरियंस है, फिर भी कहते हैं ना कि हर दिन नया कुछ सीखने को इंसान मिलता है। बिल्कुल जी, आई थिंक सीखने को मेन यही था, जब हम पेरिस में गए थे तो हमारा मेन यही मोटिव था कि हमें मेडल लेना है। तो जब भी हम प्रैक्टिस पे जाते थे, वहाँ का कल्चर भी अच्छा है, तो जब भी प्रैक्टिस पे जाते थे वो हेल्पफुल भी है वहाँ जो है ना लोग हैं, तो यही था कि मेन यही टारगेट था कि हमें मेडल जीतना है। लास्ट सवाल मनदीप, 2028 भी नज़दीक ही है, समय का पता नहीं चलता, तो प्रिपरेशन जिस तरह से एक बेंचमार्क की बात कर रहे हो, आपको लगता है कि जो बेंचमार्क बना दिया आप लोगों ने, अब कलर जो है इस मेडल का वो 2028 में चेंज होगा? बिल्कुल जी, हमारी पूरी ट्राई कोशिश रहेगी यही हमारा जो कलर है चेंज करें, क्योंकि बिल्कुल करेंगे। और अभी तो जैसे 26 में एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड कप है, इसमें हमने अपना बेस्ट करना है पहले, फिर स्टेप बाय स्टेप जाना है।